नमस्कार मित्र, डी दर्शन पुरोहित गुरु देवेश सागर से बोल रहा हूँ। पारसी में दो नवरोज नहीं आती है, क्रिश्चियनों में दो नाताल नहीं होती है, मुस्लिमों में एक ही दो दिन नहीं आती है, मगर सबसे प्राचीन हमारा वेद और उसके प्रणेता हम लोग हिंदू धर्म में दो दीपावली, दो ज्ञान पंचमी, दो रक्षाबंधन, दो ये तिक्रम पिछले 10 साल से किसी ने शुरू कर दिया है और इसमें सब बहते हुए चले जा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ है, क्यों उसको ध्यान करें तो 1000 वर्ष पूर्व तलवार की जोश नोक पर जो लिखाए गए थे ग्रंथ, निर्णय सिंधु जैसे कुछ ग्रंथ, उसकी जोर उसको ही मानते हैं लोग। जो सर्वाधिक प्राचीन है वेद, जो हमारी प्रणेता है, हमारा बेस है, उसको मानना चाहिए। तो वेद में सौर वेदांग उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उदित तिथि को मानना चाहिए, मतलब सूर्योदय के समय चंद्रमा जिस स्थिति में उसी को मानना चाहिए। उसी के चलते हम दीपावली की बात करें तो आज 28 तारीख सोमवार को एकादशी है, कल मंगलवार को द्वादशी, बुधवार को त्रयोदशी यानी कि धनतेरस, गुरुवार को चतुर्दशी रूप चतुर्दशी, शुक्रवार को अमावस्या यानी दीपावली मनानी चाहिए, शनिवार को भाई बेस्तु वर्ष गुजराती का ये मनाना चाहिए और गोवर्धन पूजा, और शनि रविवार को भाई दूज मनानी चाहिए। तो इसमें कोई भी वितनवाद पैदा ही नहीं होगा, स्पष्ट रूप से है, स्पष्ट तिथियां चल रही है, स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा दीपावली का त्यौहार चल रहा है। उदित तिथि में जो तिथि है उसी को मानना चाहिए और ऐसा मानेंगे डाकोर के रणछोड़ाई जी में, द्वारिका में, सभी जगह ऐसा ही चलता है। उदित तिथि को अगर मान करके चलते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री बंधु सुकन्या सर्वे संतो निरामय नमस्कार।